सो आई एम राइटिंग टू, ठीक है, रेफर, ये जो पेशेंट का नाम है ऑब्वियसली तो गिवन डे पे होगा, ठीक है। अगर पेशेंट की एज गिवन है लेटर के अंदर, जो कि इसमें डीओ भी और एज दोनों गिवन है, फिर आप एज को यहां पर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ एज ही गिवन थी और आपने एज यहां पर यूज कर दी हुई है, फिर आप यहां से एज माइनस कर दो, फिर आप ये नहीं लिखेंगे, आपने याद रखना, रिपीट नहीं करना कोई भी इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन एक ही दफा देना। ऐसा नहीं कि आरी लाइन में भी आप एज लिख दें, नीचे आके फिर एज लिख दो, नो, गुड, ठीक है, ओके जी। हु वॉज डायग्नोज विथ टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अभी डायग्नोज हुआ है इसलिए सिंपल पास्ट यूज किया हुआ, ठीक है, मगर वो डायग्नोज हुआ कब था पेशेंट, 1994। अब ये पहला और दूसरा सेंटेंस क्योंकि कनेक्टेड है और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। पढ़ने में बड़ा सिंपल लग रहा है और हो सकता है आपको लिखना भी आता, आप लिख भी रहे हैं, मगर ग्रामेटिकली इस सेंटेंस का जो टाइटल है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ये कह लें कि हाइस्ट कैटेगरी का सेंटेंस होता है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक आता है कंपाउंड सेंटेंस, एक आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड भी है कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि दो बातें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं, तो ये पढ़ने में बहुत छोटा सा जुमला लग रहा है मगर इसकी ग्रामेटिकली वैल्यू काफी ज्यादा। हमारी दो बातें कवर हो गई, मेरे लेटर की टाइप कवर हो गई है और मेरी पेशेंट की जो मेन प्रॉब्लम है वो भी कवर हो गई, गुड। तीसरी बात ये, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट लिखनी थी, आगे अपने रिक्वेस्ट जनरेट करिए, शी नीड्स फर्दर मैनेजमेंट रिगार्डिंग शुगर लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर डायबिटीज जो कि मेन प्रॉब्लम है हाईलाइट कर दी और उसको मेन मैनेजमेंट किसकी चाहिए यहाँ कर दी, तो आपने उसको वोकैबुलरी भी चेंज करके दे दी, डायबिटीज भी वही है, शुगर लेवल ही है, और आपने उसको अपना इंग्लिश का स्किल भी साथ साथ दिखा दिया। टू सेंटेंस में आपकी तीनों बातें कवर। इस पैराग्राफ को आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने मास्टर करना, आपके लेटर कोई सा भी आ जाए, रेफरल, डिस्चार्ज, ट्रांसफर, कोई सा भी लेटर आ जाए, पर्पस में ये तीन चीजें जाती हैं, और इन तीन चीजों को लिखने के लिए एक सेट फॉर्मूला बना रहा हूं। अब कहने के आधा फॉर्मूला मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया, जो चीजें मैंने बोल्ड में कर दी है ना, ये ऑलमोस्ट हर तरह के पैराग्राफ में फिट हो सकते हैं, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो जाए। अभी मैंने कहा था दो तरीके हैं, या तो जो मैं आपको लेटर दूंगा उसको क्रिटिकली एनालाइज किया करें, उसमें से जो मैं वर्ड आपको बोल्ड प्रिंट में दूंगा, समझे कि वो वाले जुमले या वो वाली बातें आप रिपीटेडली किसी लेटर में भी लगा सकते हैं, और यहां से अपने स्ट्रक्चर को सीधा करना शुरू करें। कहें कि आपके पास एग्जाम्पल है, यू नो कि कैसे लिखना, क्योंकि वैसे इंग्लिश लिखी जाए तो फिर तो बहुत कुछ लिखा जाए, आपने क्योंकि लिखना लेटर ही है, लेटर के अंदर स्पेसिफिक पैराग्राफ्स हैं, उनकी स्पेसिफिक वे में एक राइटिंग आनी है, तो आपने बार बार इसी तरह लिखना है, तो आप इससे कह लेंगे एक फास्ट ट्रैक में काम कर रहे हो, अदरवाइज आप टेंस रिपीट करना चाहते हो आपकी मर्जी, आप ग्रामर की किताब खोलें दोबारा पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं इसको करने, या तो आप ब्रशअप करें अपने स्किल्स, अदरवाइज जो मैं बता रहा हूँ इसको क्लोजली मॉनिटर करके सेंटेंस को समझना शुरू करें और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें, गुड। दूसरा जो आपका इंट्रो है, थैंक यू फॉर सीइंग, ये भी एक फॉर्मल वे में आप लिख रहे होते हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मली एक्सेप्टेड है, जैसे यहाँ पे मे बी आपको डियर ने थोड़ा सा तंग किया हो ना कि यार ये फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो हम ऐसे लिखते हैं, हाँ जी ऐसे लिखते हैं। अब क्योंकि जिस डॉक्टर को भेजा जा रहा है उसने पेशेंट को रख नहीं लेना, ठीक है, आपने कभी वर्ड यूज किया था इनफॉर्म का, इनफॉर्म का हम एक्चुअली जो राइटिंग के अंदर या इस सिनेरियो में वर्ड लेते हैं वो ये होता है कि ऑलरेडी शायद पेशेंट आपके पास है, अब मुझे कोई नई चीज पता लगी इसके बारे में कुछ बताने लगा, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू समथिंग। जब मैं पेशेंट को भेजी पहली दफा आ रहा हूँ तो फिर आप वो वाला वर्ड चाहे यूज ना करें। अब इस तरह जब वो आपकी लैंग्वेज को चेक कर रहे थे, वो देखते हैं कि आपने क्या लिखा, कौन सा वर्ड यूज किया, क्या वो यहाँ पे लिखना भी जाना था कि नहीं जाना था, कॉन्टेंट तो अलहदा है मगर इंग्लिश भी साथ साथ आपकी चेक करनी। रेफरल लेटर में स्पेशलिस्ट क्योंकि पेशेंट को सिर्फ देखता है ना, उसने एडमिट करना है ना उसने कुछ और करना है, जो भी पेशेंट की फर्दर रिक्वायरमेंट होगी ना वो एक लेटर दोबारा लिखेगा जीपी को कि अब पेशेंट को ये चाहिए, फिर जीपी दोबारा एक लेटर लिखेगा और फिर अगला काम करवाएगा। स्पेशलिस्ट ने हर हाल में पेशेंट को जीपी के पास ही भेजना, तो इसलिए वो सिर्फ देखेगा उसको,
अब मैं उसको पहले ही कह रहा हूं थैंक यू फॉर सीइंग गुड. एज पर द ओईटी प्रोटोकॉल्स वो कहते हैं कि जब आप पर्पस लिखते हैं ना, पर्पस के अंदर जो वर्ब है, एक्शन जो करना है वो क्लियर होना चाहिए. इसमें एक्चुअली जो वर्ब है वो आपका रेफर का वर्ड है और इसमें जो वर्ब आपका वो सीइंग है, जिससे एक्चुअली लेटर की टाइप डिफाइन होती है. जो आपका डिस्चार्ज ट्रांसफर और रेफर का वर्ड है एक्चुअली एज अ वर्ब लेके चलते हैं. वो कहते हैं कि पहले पैराग्राफ में हमें डिफाइन कर दें कि किस कैपेसिटी में पेशेंट आ रहा है. मैं जरा ग्रामर का वर्ड कम यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि हम लेटर की टाइप पे बात करते हैं. मैं बस ये इन्फोर्स करता हूँ कि लेटर की टाइप लिख दें बीच में. आपने लेटर की टाइप लिखी तो वो आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली कवर है बीच में, जिसको एज अ वर्ब देखते हैं कि यार किस वर्ब के साथ आ रहा है ये सेंटेंस, के अंदर वर्ब होना चाहिए. गुड, थैंक यू फॉर सेइंग. आगे वही है, मिसेस शर्मा 60 year old who was diagnosed with type 2 diabetes in 1994. I would be grateful if you would help her manage sugar levels. आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक तो सिंपल लिखी जाती है, जो ऊपर वो लिखी हुई है, she needs further management and care. या आप उस रिक्वेस्ट को पोलाइट वे में, इसकी मैंने यहाँ पे वुड लगाया, और आप उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि प्लीज अगर आप इसको हेल्प करने के तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ. ठीक है, ये और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड के अंदर आ गए. मगर ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल स्टेटस होल्ड करती हैं. आई एम राइटिंग टू रेफर एंड थैंक यू फॉर सीइंग, ये भी इक्वली गुड है. ऐसा नहीं कि नीचे वाले पे ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऊपर वाले पे कम मिलेंगे. अगर आपने दोनों में से कोई भी यूज कर दिया है, दे गोना गिव यू इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स.